तुसी देख रहे हो मालवा एमबी टीवी ते मैं गुरविंदर सिंह रोमी तस्वीरां तुहानू दिखा रहा है। तस्वीरां ने पुराना बस अड्डा भवानी कर दिया ते तस्वीरां दे विच नज़र आ रहे ने FCI दे डायरैक्टर जीवन गर्ग जी, उत्थे ही नज़र आ रहे ने भारतीय जनता पार्टी दे जिला प्रधान ते ब्लाक भवानी गढ़ दे भारतीय जनता पार्टी दे आगू। तुहानू तस्वीरां दे विच नज़र आ रहा है कि छोटियां छोटियां पक्खियां दुकानदारां नूं वंडियां जा रही ने। क्यों वंडियां जा रही ने छोटियां छोटियां पक्खियां आपां जानदे आ, गलबात करांगे, पर तुहानू जानकारी दे दिए कि पिछले दिनों तो सूबे के अंदर बत्ती गुल पई है, अठ अठ नौ नौ घंटिया के कट्टां ने आम लोगों के साह सूत रखे ने। गर्मी का मौसम है, पखा ला के बंदा बैठ जाता है, पर नारेबाजी हो रही है, वो तुहानू लेके चलते उ जाओ। जो इन्होंने नारा दिता सी असीं बदलाव लैके आवांगे, पंजाब दे विच कोई बदलाव नहीं आया, बदले की भावना सारा काम हो रहा है। जो पहली जिहड़ी गरंटी इन्होंने देनी सी बिजली की, पहले ना उत्थे जाके मुफ्त मुकरे ने गए भी असी पंजाब सारे बिजली 300 यूनिट पर महीना फ्री देवे। उत्थे फिर इन्होंने 1 किलो वाट से लिया काम, तो गर्मी अजे शुरू हुई है जी, अप्रैल का महीना चल रहा, मार्च में कभी गर्मी नहीं होती, अजे गर्मी शुरू हुई है। तो पिंडा के शहर के बड़े बड़े 12-12, 14-14, 18-18 घंटे के कट लगे ने। अज मैं पटियाले गल की है, मोहाली गल की है, चीफ मिनिस्टर के इलाके धूरी की गल की है, सारी जगह शहर के भी हाल है। रात को 4-4, 5-5 बार बिजली चली जाती है, कट लग रहे हैं। अच्छा रणदीप सिंह देवला जी, मैं जिला प्रधान हाँ भारतीय जनता पार्टी। अच्छा तुम कोई किनारा ला रहे की नारा? यह है जी भी धोखाधड़ी बंद करो, बिजली का प्रबंध करो, गल्ला बड़िया बड़िया दावे बड़े बड़े किए गए। भगवंत मान तो यह कहते साडे चीफ मिनिस्टर पंजाब दे, उहदा कहते 24 घंटे सरप्लस लाइट रखांगे, पर तुसी इस बारे की कहो? हाँ, उन्होंने बड़े बड़े बैनर जरूर देखते होंगे सी भी 24 घंटे बिजली नाले फ्री बिजली, पर अज हालात यह ने जी, तुसी खेतों की बिजली जाके देख लो, खेतों के बिजली नहीं आती, जे कि आ जाती है तो तारा यही जी ने तो अग लग जाती है। खेतों के दो दो घंटे बिजली आती है, घंटा घंटा बिजली आती है, लोगों के बरसीन नहीं रमते, लोगों ने जिन्होंने सब्जियां की काश्त की हुई है उन्होंने सब्जियां मर रही ने, जां कोई होर काश्त की हुई है उन्होंने पानी नहीं मिल रहा उन्होंने, पर जदों जीरी लगनी उदों की हालात होणगे? अज भी 18-18 घंटे के कट लग रहे बाजारों के, असी बाजार च घूम रहे पक्खियां वड रहे हैं, तो लोग कह रहे कि हले भी लाइट नहीं हैगी, सारी रात लाइट नहीं आई इत्थे भवानीगढ़ के खास करके, हर पंजाब दे विच ये हालात ने, लोगों के इनवर्टर तक खत्म हो गए, लोग बहुत ज़्यादा दुखी ने, तड़फाए पे आ, लोग इन्ने ज़्यादा दुखी ने, तो लोग इस गल की गुरुद्वारों च ते मंदिरों च जाके माफ़ी मंग रहे हैं भी साढ़े तो गलती होगी जी, असी यही जी सरकार लैंदी भी दाता जी तुसी कुछ बख्शो सर। 600 यूनिट का बेनीफिट भी तो देना सरकार ने, किवें देगी? इस हिसाब नाल तो जी मैं कहना भी जे लाइट आई नहीं तो दशहरे तक नहीं 600 यूनिट मुकनी किसी की, ज़्यादा कोई इन्होंने स्कीम लाई हुई है भी इसी तरीके फ्री देनी है। तो अज असी लोगों कह रहे हैं भी बदलाव आ गया भाई, हुण पहलां वाली गल्लां नहीं रही, हुण थोड़े पखे AC कूलर नहीं चलने, तुसीं आ पखियां लो, ये पखियां दे नाल चलिया करो रात नूं, सारी सारी रात बैठ के बच्चों भी चलिया करो, आप भी चलो, तां किते जाके थोड़ी रात लंघनी है, अज थोड़ी समाज सेवा करन दी कोशिश कीती है, ते बाकियां नूं भी कहांगे भी तुसीं भी समाज सेवा करो ते पखियां पुखियां पट्टो। आउण वाले दिनां च हुण की रणनीति रहूगी दुआ तक किसे दी? आने वाले समय से अगर ऐसा ही कोई जो दिक्कत आ रही ने, क्योंकि थोड़ा टाइम होया है, पर लोग ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने तड़पा के रखते, लोगों का विद्रोह खड़ा होगा, असी भी उन्होंने साथ देवे, जिथे जिथे भी लोग इन्हों का विरोध कर रहे असी उन्होंने साथ दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उपर केंद्र सरकार को भी यह अपील करूगी कि जो पंजाब दे विच ये दिक्कत खड़िया कर रही ने, तो इन्हों ताड़ना की जाए ता जो पंजाब के लोग सुखी तरीके नाल रह सके। फेरा फेरी बंद करो, बिजली का प्रबंध करो, फेरा फेरी बंद करो, बिजली का प्रबंध करो। हाँ जी, बिजली देवे, अज लोग इस गल तरसते हैं भी भाई साढ़े तो पैसे ले लो पर सानू लाइट तो दे दो, ये कई कारण ने जी, बच्चों के पेपर ने जोड़े वो सिरते हैं, अज तुम देखो नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे किसी तरह के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अज त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भी यार सानू
इस तरह के जो झूठे बरगला इन्होंने वादे करके बरगलाया लोगों यही एक सरकार लिया जिड़ी कि जी सरबला सूबा से साड़ा इलैक्ट्रिसिटी का उन्होंने भी प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए। अज कोई पंजाब की बिजली बाहर नहीं गई, इन्हों की मिसमैनेजमेंट है। जिथे तक मैं लगता है भी इस सरकार मतलब पबल का लोग पहचान ही गए हजे थोड़ी देरी हुई है, आ दो चार महीनों के इन्हों का होर जलूस निकल जाना है। और भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता साडा इस गल नूं इन्हां नूं पजण नहीं देवांगे। लोगों की कचहरी जिहड़े इन्हां ने वादे किए ने वो इन्हां दी धौण ते गोडा रख के असीं पूरे करवावांगे, और जे नहीं करनगे असीं जोरदार तरीके नाल इन्हां दा प्रोटेस्ट करांगे। जिस तरह अज साडी सारी जिले की टीम साडे सारे सीनियर कार्यकर्ता सी पक्खियां वंड के यह विरोध कर रहे। एक तां बंदा जी हुण सरकार दा बदलाव लोग भालदे सी, बदलाव आ गया जी, लाइट आउंदी नहीं, लोगों के बड़ा रोस है। ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਇਨਵਰਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਏ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੱਟਣੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਸ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ? ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਜੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵਰਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਏ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਵੇਚਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਵੇਚਦੇ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਖੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੱਖੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੱਖੇ ਲਓ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰੋ।